दोस्तों नमस्कार। अक्सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लोग में दिखने को मिलती है, और वो मिलती है कि खाना खाने के तुरंत बाद वो वॉमिटिंग कर देता है, उल्टी कर देता है। वाकई ये समस्या अगर किसी भी लोग के साथ है तो भाई पेट ओनर परेशान हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये बार बार उल्टी क्यों कर रहा है। तो एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि कभी कभी अगर सप्ताह में एक बार अगर हो रहा है ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, कई बार हो जाता है। और नॉर्मलिटी कब होती है? नॉर्मलिटी होती है एक्चुअली जब स्टोमक में एसिडिटी हो जाती है, यानी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। कभी मान लीजिए आपके लोग को खाना खिलाने का जो समय है वो समय हो गया है, यानी उसको भूख लग चुकी है और आपने खाना नहीं दिया, उस कंडीशन में अंदर से जो एसिड सिक्रेशन होता है वो तो स्टोमक में हो जाता है जबकि खाना पहुंचता नहीं है। इस वजह से जो ही हम उसको खाना देते हैं वो एसिड ज्यादा होने की वजह से वो उल्टी कर देता है। तो ये पहला कारण रहता है, और इस कारण को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि खाना खिलाने का जो समय है वो समय आप निश्चित रखिए। सुबह कितनी बजे खिलाना है ये तय रखिए, शाम को कितनी बजे खिलाना है ये तय रखिए, दोपहर का समय भी तय रखिए, और उसी तय समय पर आप उसे खाना दे दीजिए, तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक दूर हो सकती है। इसके अलावा कई बार जो है सड़ा गला खाने की वजह से या गंदा खाने की वजह से, बासी खाने की वजह से, या फिर कोई कीड़े मकोड़े ऐसी चीजें इंसेक्ट वगैरह खाने की वजह से एसिडिटी हो जाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप उस कारण को खोजिए, क्या सड़ा गला खाया, क्या गंदा खाया, क्या बासी खाया है, या क्या खाया है, उस कारण को ढूंढ करके आप कोई सा भी डाइजेस्टिव टॉनिक दे दीजिए। जैसे डिजिटोन आती है, डिजिटोन की जो सिरप है मात्र 1 ml, 1 ml मात्र बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप 7-8 किलो के लोगों को 1 ml दे देते हैं तो भाई बहुत ही अच्छा काम करती है। तो 15-16 किलो का जो लोग हैं उसे आप 2 ml दे दीजिए, और 24-25 किलो का है तो उसे आप 3 ml दे दीजिए। मात्र ये इतना रोज करने मात्र से ही काम हो जाता है। मैं डिजिटोन सिरप की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक सिरप आती है जाइमोपेट। जी हाँ, ये जो जाइमोपेट सिरप है ना, ये भी बहुत ही शानदार है। डिजिटोन से थोड़ी सी ज्यादा इसको दिया जाता है, यानी जितना आप डिजिटोन दे रहे हैं उसे डबल कर दीजिए, और ये जो मैंने वजन बताया उसके हिसाब से आप दे दीजिए। तो भाई अगर आप 4-5 दिन देंगे तो ये प्रॉब्लम जो एसिडिटी वाली हुई है या मान लीजिए सड़ा गला कुछ खाया है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये चीज एसिडिटी बहुत बड़ी चीज है और इसको आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब अगर सेकेंड कारण की हम बात करें तो वो होता है फ्रेंड, अगर आपने खाने में बदलाव किया है तो स्टमक जो है वो डॉग का एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप जब भी बदलाव करें ध्यान दें, और आपको ये ध्यान भी रहेगा कि भाई मैंने बदलाव किया इसलिए ये उल्टी कर रहा है। तो अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो एकदम से ना करें, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा बदलाव करें। जो पुराना फूड था उसे साथ में मिलाइए, पहले पुराने फूड की मात्रा ज़्यादा रखिए, नया जो आपने बदलाव किया है उसको कम कीजिए, उसके बाद नया जो बदलाव किया उसको तो धीरे धीरे बढ़ाते रहिए और पुराने वाले को कम करते रहिए। इस तरीके से पूरे गैप में कम से कम 10 दिन का समय या 7 दिन का समय लगना चाहिए जब आप पूरी तरीके से खाने को स्विच कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी कोई फूड आपके यहाँ से एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो उससे पहले ही आप उसके लिए प्रयत्नशील हो जाइए, तैयारियां कर दीजिए बदलाव करने की। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी और प्रमुख बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है फ्रेंड, कई बार पेट में कीड़े होते हैं, लीवर प्रॉपर काम नहीं करता, उसकी वजह से भी ऐसी शिकायत हो सकती है। तो उसके लिए क्या करें, सिंपल सा प्रबंध जो मैं हर बार आपको बताता हूँ, पेट के कीड़े मारने की दवा दे दीजिए, यानी डिवॉर्मिंग करवा दीजिए और लीवर टॉनिक दे दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो वॉमिटिंग की शिकायत हो रही है कभी कभी खाना खाने के बाद, तो ये 3 ऐसे प्रबंध है जिनको आप कर दीजिए तो शिकायत नहीं हो।